चलिए अब इसको जो है, बहुत पानी है जी। हाँ देखिए, आज हम यहाँ पर आए हुए हैं पोल्ट्री फार्म में। देखिए हम जहाँ जा रहे हैं लाइट ठीक करने, वहाँ पोल्ट्री फार्म है और उसका रास्ता ये है। देखिए कितना सुनसान इलाका है, आप देख सकते हैं सब जगह आमों के पेड़ हैं और बेहतरीन इलाका लगता है। वाह क्या सड़क जा रही है। ये आ गए हम यहाँ पर पोल्ट्री फार्म में। चलिए अंदर देख के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है अंदर। हम यहाँ पे जो आए हैं वो आए हम पाइपलाइन के काम के लिए। जी हाँ ये पाइपलाइन है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी होता है। ये देखिए ये पानी की पाइपलाइन है, तो हमें पानी की पाइपलाइन रिपेयर करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ काम कहाँ चल रहा है। ये देखिए अभी यहाँ पे नया डेवलप हो रहा है। जी हाँ देखिए एक वॉल लगा है, आप देखते हैं देख सकते हैं पाइपलाइन है। यहाँ से टी वगैरह लग के सारी जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर यह पाइप जो है छोटा है, ये पाइप छोटा है यहाँ पर, और यहाँ से लीकेज भी हो रहा है। चलिए इसका पहले लीकेज बंद कर लेते हैं और ये पाइपलाइन हम सही कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा फाइनल क्या हुआ है। एक्चुअली आज हमारे पास ना ही कैमरामैन है और ना ही कुछ स्टैंड है, तो हम खुद ब खुद ये शूट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल होगा काम दिखाना। ये देखिए इसका एल्बो और ये इसकी फिटिंग टोटली अलग है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हल्का सा नरम है, दबाने से दब जाता है ये। तो इसकी टोटली फिटिंग अलग है, जैसे हम CPVC या UPVC वगैरह 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 जो PVC है उससे हटके PVC है, ये नरम PVC। जी हाँ तो हम देखिए आपको ये दिखा रहे थे प्रिंट किस तरह से है, ये देखिए। तो अभी ये सिंपल ये है कि यहाँ पे हमें जॉइंट देना है और ये बाहर निकाल देना है जिससे पानी ये थ्रो ऊपर आएगा। तो ये पहले की थोड़ी फिटिंग टूट गई थी, चलिए नया करते हैं और एक जॉइंट और लगाना है हमें। चलिए ये पाइप हमारा रेडी हो गया है, अभी हम इसे फाइनल पाइप में जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ हमारे भाई साहब हैं, वो हमारी काफ़ी अच्छी मदद कर रहे हैं, देखते हैं वो कैमरे पर आ पाएंगे क्या नहीं, हम फाइनली उनसे बात करके आपको बताएँगे। सीढ़ी भी चढ़ने की एक वजह यह है कि हमें देखना है कि वहाँ पे एल एंगल सही आ रहा है कि नहीं। यस सिर्फ एक से दो मिनट तो बहुत हो गए, कुछ सेकंड दबा के रखना है हमें। नीचे ना है तो इसको यहाँ बांधना पड़ेगा, तो इसे भी हम बांध लें। जी हाँ चलिए पानी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये चूना है, जब हमें अंदर एंट्री करनी होती है तो चूने में पहले पैर लगाने होते हैं कि हमारे पैरों पर अच्छी तरह से चूना लग जाए, फिर उसके बाद में अंदर एंट्री करनी होती है। चलिए थोड़ा सा हमारा काम है तो अभी देखेंगे बच्चे को हम ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए यहाँ से चलें। देखिए कितने मुर्गी के बच्चे हैं, वाह। देखिए जैसे जैसे हम चल रहे हैं हमारे आगे से ही हटते जा रहे हैं। जी हाँ इन्हें पता है कि काम कहाँ करना है। जी हाँ आज हमारा मेंटेनेंस का काम है, नया काम कुछ नहीं है। देखिए यही काम है हमारा, यहाँ कुछ सामान भी रखा है और देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं ये। अरे ओके ओके ओके, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला हूँ, मैं अपना काम करने वाला हूँ सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे UPVC का यूज़ किया है। देखिए सादा PVC में 20 mm दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 20 mm बिल्कुल PVC पाइप 20 mm। जी हाँ ये लिखा है यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें ये जुगाड़ किया हुआ है, यहाँ पे ये टेप्लॉन टैप है, तो हम ये पूरी फिटिंग निकाल के इसकी ओरिजिनल फिटिंग। यहाँ पे चूज़ों के लिए पानी तो है यहाँ पे, ये सिस्टम है, लेकिन साथ में यहाँ पे भी बड़ा बकेट रखा है, वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ से लीकेज होता था। चलिए हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। चलिए देखिए हमने काट के अलग कर दिया है, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम दूसरा वॉल वगैरह बिठाते हैं। जी हाँ देखिए ये UPVC गेट वॉल था, इसको हम चेंज कर रहे हैं, इससे रिप्लेस कर रहे हैं ओरिजिनल वालों से। जी हाँ
आप देख सकते हैं टोटली वैसे 15 mm है। इसको हम कोशिश करते हैं, अब हमें यहाँ लगाना है। ये देखिए, ये हमने कुछ जुगाड़ किया, हमारे पास टेफ्लॉन टेप अभी नहीं है, तो हमारे पास ये वायरिंग टेप है। तो हमने देखिए किस तरह से ये जुगाड़ किया है, आप देख पाएंगे। ये वायरिंग टेप जो है हमने इसको लगाया है। चलिए टाइट कर लेते हैं। चलिए अब इसको जो है यहाँ लगा, जी हाँ देखिए लगा दिया है हमने। अब इसको हम प्रेस करके यहाँ खड़े भी ऐसे भी कुछ, ये देखिए ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है पानी आने का, आप देखेंगे पानी आ रहा है। तो इसकी जो पाइपलाइन है ये भी कहीं कहीं से यहाँ से लीक है, तो हम उसे भी सही करेंगे, कोशिश करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएं। चलिए अब बाहर आ चुके, चलिए अभी देखते हैं यहाँ का पानी रोकने का सिस्टम कैसा है। देखिए पूरा जंगल है, हर तरफ जंगली जंगल है। चलिए यहाँ पे देखिए सिस्टम सादा है। एक्चुअली इसको हमें मेन बनाना है। देखिए ये जो हमने पाइप किया था ये यहाँ जॉइंट है, ये टाँके यहाँ से वॉल है। चलिए इसको जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये इस तरह से टूटी लगा दी और ये रस्सी भी बांध दी है हमने कि पाइप वजन से निकले ना। चलिए ये टूटी, आज पहली बरसात हुई है, तो बरसात में देखिए मौसम कितना मस्त हो चुका है। अरे भैया मैंने चालू कर दिया पानी चालू किया, देखिए पानी चालू कर दिया हमने। जंगल देखिए, वाह आम के पेड़ बहुत बढ़िया। अच्छा आ रहे हो, अब हम अंदर जा रहे हैं। देखिए ये पोल्ट्री फार्म है, लेकिन ये देखिए सब तरफ से जो है ढका हुआ है, पूरी तरह से पैक है। कभी आप पोल्ट्री फार्म का अगर इरादा रखें तो किसी स्पेशल आदमी को बुलाइए जो आपके नियर बाई हो, वरना हम तो हैं। चलिए चलिए अब देखते हैं जो हाँ हमारा लीकेज था कैसा है। देखिए ये सब बिछा दिया है, ये देखेंगे तो ये देखिए चावल जो होते हैं उसका बुरा है ये, जी हाँ चावल के बचे हुए जो घास होती है वो है, वो बिछाया गया है। चलने में बहुत नरम लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए पानी जा रहा है, अभी कोई लीकेज नहीं है यहाँ पे। हम आपको नज़दीक से भी दिखा देते हैं, पहले देखिए यहाँ लीकेज था, ड्रॉप टपक रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए ये हमारा जॉइंट है और ये है, तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। चलिए ये देखिए पानी आ चुका है, आप देखेंगे ये प्रूफ है पानी आने का। देखिए ड्रॉप पानी आ रहा है, तो पानी चालू हो चुका है, ड्रॉप नहीं है, तो ये हमारा काम सक्सेस रहा है। और देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। चलिए जी हाँ देखिए भाई ने यहाँ से ड्रम उठा लिया है, उसकी वजह यह है कि हमारा काम यहाँ का भी सक्सेस हो चुका है, पूरी तरह सक्सेस हो चुका है। देखिए कोई ड्रॉप नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए भाई देखिए यहाँ पे जो डबल कैन रखा था ये देखिए वो लेके जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं बाहर। चलिए वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, अब देखिए प्रॉब्लम ये है, इसमें देखिए यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है पानी का, यहाँ दिख रहा है क्या नहीं, ये सारे जो हैं ज़्यादातर लीकेज है। और लीकेज में यही है कि काफ़ी टाइम हो गया होगा, तो ये ऊपर से देखिए ये हमारे हाथ में ये ड्रॉप है, हाँ जी तो लीकेज है, तो इसके लिए हमें काटना है, इसे काट के वापस करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको निकालना है, ये एक मिनट निकालो, हमने ये निकाल दिया। ये देखिए इसमें सब पानी गिरेगा ऊपर से, ये देखिए आप देखें ये पानी गिर रहा है। तो अब ये हमने काट दिया, ये हमने लिया यहाँ पर और इसको हमने कटर की मदद से इसको काट दिया। अब ये हमने काट दिया है, चलिए अब इसको लगा देते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, ज़्यादातर हमें ये काम करना है। चलिए शाम हो जाएगी आई थिंक सो, देखते हैं कितने बजते हैं। देखिए हम वहाँ से लेके
स्टार्ट टू एंड यहाँ हमने कट कर दिया है होंगे। अब यहाँ से हमने वापस स्टार्ट करा है, सब कट कट होते होते अब वहाँ तक पहुँच करते हुए आए थे। तो देखिए बच्चे डर के यहाँ आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे डॉगी आ चुके थे, हाँ कुत्ते आ गए थे यहाँ तक पकड़ने के लिए, लेकिन ऑफकोर्स जाली लगी है तो ये सेफ है, सुरक्षित है। वो एरिया देखिए पूरा खाली हो चुका है, देखिए ये पूरा फाइनल हो चुका है, हम यहाँ तक आ चुके हैं एंड पे। अब वॉल खोलना ही बाकी है, ये देखिए ये हमने वॉल खोल दिया, अब पानी सब जगह चला गया है, हमने यहाँ पे भी रिपेयर कर दिया है। आई होप अब कहीं से लीकेज नहीं होगा, अगर होता है तो हमें कुछ दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि लीकेज ना हो, क्योंकि केमिकल अगर हम इसमें कुछ केमिकल लगाते हैं और इसे बंद करते हैं तो क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए। तो देखते हैं कि हम अगर ये कुछ लीकेज होता है तो हम आगे क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलते हैं हम आपको अगली ही ऐसे कुछ काम के साथ, जॉब के साथ। चलिए बाय बाय, थैंक यू। देखिए अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है लेकिन बारिश है जो स्टार्ट हो चुकी है। आय हाय कितना बढ़िया मौसम दिख रहा है, वाह दिख रहा है, लग भी रहा है, महसूस भी हो रहा है। देखिए पानी, देखिए बहुत पानी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें।